जय गुरु जी। लेटे हो यहाँ अंदर कंबल में, तो चलो ठीक है वो खा लेंगे, मकान चले घर कर घर कह रहा हूँ। एक नंबर की धूप आई हुई यहाँ पे, देख रहे हो यार हमारा फ्लैग बहुत प्यारा लगता है मेरे को। सिर्फ तीन बच्चे हैं, मुझे मिला के चार हो जाएंगे। सामने हमारी मैम खड़ी है, मैथ्स वाला लेक्चर लगने वाला है अब ये। कोडिंग करेंगे, अदरवाइज कोई भी विद्यार्थी इस तरह की कोई किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, फोन आपका हाथ में दिखेगा ही नहीं। शादी पे शादियाँ नहीं है गाइस, कोई भी आप वो क्या कहते हैं शादी कितने दिन है। उधर सामने छोटे हॉल में कर रखा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी है। अब आप सेवा लग जाएगी, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरबेद मगू व्लॉग्स विद अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 9:15 हो चुके हैं और अभी का सीन कुछ ऐसा हो रहा है गाइस कि ना आप देख सकते हो कि पूरे 2 दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ। इसलिए गाइस इस बार तो कुछ और ही रीज़न था। रीज़न क्या गाइस, इस बार तो तबीयत ही मेरी मतलब ख़राब थी, कोल्ड हो गया था गाइस, और कोल्ड में आपको पता है खांसी भी थी, जुकाम भी था। तो मैं मतलब व्लॉग बनाने की स्टार्टिंग भी करता ना, फिर खांसी, फिर मेरा आवाज़ बढ़िया नहीं आएगी तो इससे बढ़िया क्या जरूरत है बनाने की। फिर मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी एक आइसक्रीम से रिलेटेड। अब आप सोचोगे कि भाई इसको कोल्ड और आइसक्रीम खा रहा है, नहीं गाइज वो मैंने ना पहले की बना रखी थी, तो मैंने कहा अब वही डाल देता हूँ, लैपटॉप में सेव कर लेता हूँ, कोई भी अगर काम की मेरे को दिखती है ना शॉर्ट तो उसको, तो इसलिए मैंने वो वाली शॉर्ट डाल दी। मत सोचना कि मेरे को कहीं कोल्ड था और आइसक्रीम खा रहा, नहीं वो बहुत पहले की बना रखी है मैंने, तो एक और भी बनी हुई थी बट मैंने वो डाली नहीं। और ना इसलिए मैं कहा आज भी मेरे को थोड़ी तबीयत मेरी यूँ लग रही थी स्लो, बट खांसी थोड़ी ठीक हो गई है। मैं कहा चलो व्लॉग तो बना लेते हैं, जुकाम है उसकी तो कोई नहीं, वो भी हो जाएगा ठीक। बट फिलहाल अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर किसे जा रहा हूँ आपको रास्ते में मिलके ही बताता हूँ ठीक है। तो हाँ गाइस अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, अभी मत कहना कि हेलमेट नहीं लगा रखा, बिल्कुल पास तक ही जाना था ग्वाने अड्डे तक, गलियों गलियों से चला जाता है, बट गलियों में ब्रेक करते इस समय सड़क भी खाली है, इसलिए मैं बाहर से आ गया। और हाँ गाइस मैं ना ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जा रहा था, पापा कहते हैं काम कर, जो मम्मी ने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था ना उसमें वो जो सब्जी बनी हुई थी पापा का वो खाने का दिल नहीं था, तो पापा कहते कि ना एक काम कर तूने यहाँ से छोले लेता मेरे लिए। मैं चलो ठीक है, तभी मैं पापा के लिए छोले लेने जा रहा हूँ उन्हीं भैया से, जहाँ से हम छोले भटूरे लेके आए थे लास्ट वाले ब्लॉग में, नहीं देखा तो राइट बटन मारा जाके देखा हो। तो अभी गाइस हम पहुँच चुके हैं भाई ग्वाने अड्डे, भाई बिल्कुल देख सकते हो आप, भैया कहते भैया छोले बैन कर दो ठीक है। भैया अपने आपको देखने लग गए कैमरे में, मेरी सुनी नहीं, सुन ली ना आपने, सुन लीजिए ना जल्दी से कर दो। तो अभी गाइस मैं घर पे भी पहुंच चुका हूँ, ले आया हूँ पापा के लिए, पापा और तो अभी अंदर सो रहे हैं, मतलब सो नहीं रहे जाग रहे हैं, ठंड हो बढ़िया ना इतनी, तो मैं बाहर गया तो गाइस को ठंड लग रही थी, मैं सोचा क्या ना मैं जैकेट डाल के जाऊँ अब ठीक है, तो जैकेट डालने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस जैकेट डाल ली है, बस अब चलते हैं डैडी को रोटी दे के सीधी कॉलेज चला जाऊँगा वहीं से, आओ चलें। तो अभी गाइस मैं बस निकल रहा हूँ, पीछे मम्मा आ गए बाहर छोड़ने, सोए पड़े थे मतलब लेटे हुए थे उसमें से बाहर आ गए थे जाए में से, आयो चलो आप बस गेट बंद कर लो, जा रहा हूँ मैं भाई बाय बाय ठीक है। और डैडी के लिए रोटी मैंने बैग में ही डाल लिया, बस अब उस वाले घर में पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस मैं इस वाले घर में आ चुका था, मतलब अंदर हुआ आया हूँ, डैडी लेटे हुए हैं अंदर कंबल में, तो चलो ठीक है वो खा लेंगे, मैं कहा चले घर कर घर कह रहा हूँ मैं, वहाँ चलते हैं गाइस कॉलेज में, लेट हो जाऊँगा नहीं तो, चले चलो। तो अभी गाइस कॉलेज पहुँच चुके हैं, हेलमेट रख दिया डिग्गी में, चाबी निकाल ली है, और सूरज देखो एक नंबर की धूप आई हुई है यहाँ पे, देख रहे हो यार हमारा फ्लैग बहुत प्यारा लगता है मेरे को। तो बस अब पहुँच चुके हैं जैसा कि आपने देख लिया है कॉलेज में, अब देखते हैं क्या होता है आज, ठंड तो काफ़ी हो रही है। एक तो ग्लव्स मैं लेके आया था, पता नहीं बैग में कहाँ रख दिए हैं, ढूंढूंगा क्लास में जाके, हाथ भी पूरे चिल्ड हो गए हैं, पूरे चिल्ड देख रहे हो। और इधर हमारी व्हीकल एंट्री होगी इस पे नोटबुक में, इस वाली में, इसमें एंट्री करके मेरे को पता नहीं दिखी होगी या नहीं दिखी होगी, आई होप दिखी गई होगी, एंट्री करके क्लास में जाऊंगा, फिर मिलते हैं आपसे अगर दिन में फ्री होगा तो ठीक है। तो गाइस अभी मैं एंट्री कर ही रहा था, एक भाई और आ गया लक्ष्य कत्याल, और लक्ष्य ठीक है भाई कहाँ क्लास में, तू भी लेट हो गया आज, बढ़िया बढ़िया चलो एंट्री कर लूँ फिर आता हूँ, कर ले तू भी कर ले। तो गाइस अभी मैं क्लास में पहुँच चुका हूँ और देखो सिर्फ तीन बच्चे हैं, मुझे मिला के चार हो जाएंगे। सामने हमारी मैम खड़ी है, मैथ्स वाला लेक्चर लगने वाला है अब ये, तो ये बस मैथ्स का लेक्चर पढ़ने के बाद मिलता हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग मैम।
तो गाइस अभी मैथ्स का लेक्चर खत्म हो चुका है और लेक्चर खत्म होने के बाद ना अभी मेरे को पता लगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में तो आज मतलब मैं सेकंड लेक्चर में आया था ना लेट हो गया था। तो अभी का सीन क्या है गाइस कि ना मैम ने फर्स्ट लेक्चर में अनाउंसमेंट करके कही थे कोई कि ना आज हमको 11:15 बजे ऑडिटोरियम में आना है कॉलेज के। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं और अभी ना लास्ट में बैठने का दिल कर रहा है बट लास्ट में बैठ नहीं सकता जिसके पीछे रीज़न है कि ना लास्ट में ना गाइस मेरा ना कैमरे का ना थोड़ा सा दूर का फोकस कम है, मतलब ज़्यादा दूर करता हूँ ना अगर ज़्यादा वो करता हूँ जूम तो उसके पिक्सल फट जाते हैं इसलिए। और बाकी लास्ट में बैठने का दिल था, अब आपके लिए आगे बैठना पड़ेगा और जो भी होगा ना आपको दिखाऊंगा। आई थिंक डांस वो होगी क्या कहते हैं डांसिंग वगैरह भी हो सकती है, जो भी होगा आपको दिख जाएगा। आगे बैठ जाते हैं, अभी तो सीट खाली पड़ी है। रिकॉर्डिंग ना करें अपने फोन से फ्रेंड्स की, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज कोई भी विद्यार्थी इस तरह की कोई किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, फोन आपका हाथ में दिखेगा ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो अभी गाइज आपने सुन ही लिया होगा उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से ही मना कर दिया था, फिर मेरा क्या काम था वहाँ पे, मतलब मैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड करने गया था कि आपको डांस परफॉर्मेंस वगैरह दिखा देता कुछ भी, मतलब जो सिंगिंग होती वो दिखा देता, बट उन्होंने डायरेक्ट जाते ही मना कर दिया। फिर तो मेरा वहीं से दिमाग खराब हुआ, मगर मैं नहीं बैठता अंदर, मैं वापस घर जा रहा हूँ, कौन इतने देर यहाँ पे बैठे भी। मैं पहले चलो बैठ जाता कि कुछ शूट करके आप लोगों को दिखा देता, बट मैं कहा नहीं अब आपको ही कुछ दिखा नहीं पाऊंगा तो मैं क्या करूँगा देख के खुद। चलते हैं वापस घर पे, तो अभी घर पे जा रहा हूँ गाइज, घर पे पहुँच के मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और गाइज कहीं आप सोचो मैंने पूछा भी नहीं होगा उनसे कि मैं बना लूँ, मैंने उनसे पूछा भी था, वो मैम कहने लगी कि बेटा ये सिर्फ कॉलेज के रिकॉर्ड तक ही रखेंगे हम, मतलब कॉलेज से बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर मैं समझ गया मैं मैंने तो यूट्यूब पर डालनी है, वो यूट्यूब पर डालना ही नहीं देंगे। तो कहा चलो ठीक है फिर इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करी, इसलिए मेन रीज़न ये था। उन्होंने तो मना भी कर दिया था और ऊपर से मैंने सबसे आके भी बैठा, मतलब देखो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे आके बैठा था, हालांकि मेरे सारे फ्रेंड्स सारे पीछे बैठे हुए थे। फिर मैं तो वापस बाहर ही आ गया हूँ, कहा मैं नहीं था अंदर बैठ, आराम से घर जाएंगे बैठेंगे घर पे ब्लॉग बनाएंगे क्या। तो गाइज अभी मैं इधर आ गया था इस वाले घर पे क्योंकि दिन में तो डैडी से मिल नहीं पाए थे आप, क्योंकि डैडी सो रहे थे, मतलब जाग रहे थे कंबल में बैठे हुए थे। इधर पापा भी इधर आए थे, पापा को कॉल किया, पापा कहते हैं मैं इस वाले घर में ही हूँ, मैं चलो ठीक है, ये पीछे मेरी बुलेट खड़ी है और ये खड़ी मेरी एक्टिवा, एक्टिवा की चाबी उठा लूँ, सारे बाल खराब हो गए थे अभी हेलमेट डाल रखा था ना, और वो बैठे डैडी धूप पे धूप सेक रहे हैं पीछे बैठे हैं जस्ट, ठीक है अभी इनके साथ इनके पास बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और गाइस ये पीछे आगे पापा भी, हाँ जी ठीक है ना, बास्केट उसकी दाल की क्या बात है, कहाँ जाना था आज शादी पे, शादी शादियाँ नहीं है गाइस कोई भी, अब वो क्या कहते हैं शादी किस लिए नहीं है, तारा डूब जाता है, तारा डूब जाता है, ये बैठे नीचे डैडी चेयर पे, हाँ जी ठीक हो, ठीक है बढ़िया। तो गाइस अभी मैं वापस जा रहा हूँ और देखो लेके आया था मैं एक्टिवा, अब लेके जाऊंगा मैं वापस बुलेट, तो अब आपसे घर पहुंच के मिलते हैं, ठीक है बाय बाय। और अभी गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, मम्मा और बहन दोनों बाहर बैठे हैं और आपका भाई अंदर है गाइस, अंदर इसलिए मैंने जैसे बुलेट रखी है, बैग रखा है, मुँह वगैरह धोता हूँ फिर उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको, और भूख भी लग रही है, मम्मा ने क्या बना रखा देखूँ, ओ वाह गाइज मम्मी ने बना रखा है बेसन, तो अभी ये खाएंगे साथ में रोटी, पहले हैंड वॉश वगैरह करते हैं मुंह धो के, मिलता हूँ आपसे। तो अभी गाइज हाथ वगैरह धो लिए, मुंह वगैरह भी धो लिया, और ना अभी करता हूँ गाइज मैं अपने लिए पानी गर्म, पानी गर्म इन द सेंस इतनी ठंड हो गया है सारे बर्तन गिर गए, मम्मी के देखने से पहले ठीक कर देता हूँ एक बार। तो ना हाँ पानी गर्म इसलिए करना पड़ता है गाइस क्योंकि फ़िल्टर का पानी भी पता कितना ठंडा आता है, ये पानी करने के बाद मिलता हूँ। मैं कह रहा था गाइस पानी इतना ठंडा आता है फ़िल्टर में इसीलिए ठंड इतनी हो गई, सुबह तो इतना ठंडा होता है, ये मेरे को जब ही कफ हो गया था क्योंकि मैं ठंडा पानी पी रहा था ना, फ़िल्टर का भी इतना ठंडा होता था जिस तरह हम गर्मियों में फ्रिज का पीते हैं ऐसा पानी था। तो इसको हल्का सा कोसा कर लेता हूँ और ये ना हमारी पानी गर्म करने की हमने वो बना रखी है कढ़ाई, ठीक है इसको इसके अंदर कोई भी और सब्जी वगैरह गर्म नहीं होगी, कुछ भी नहीं सिर्फ पानी, वो सभी इसमें गर्म हो जाएगा, हल्का कोसा ही करूँगा बिल्कुल उबलता हो तो नहीं पीऊँ, हल्का कोसा करके उसके बाद क्योंकि फिर ऐसे मतलब खांसी में कोई जुकाम भी लगा हुआ है ना तो ठंडा पानी पीना अच्छा नहीं होगा इसीलिए। तो गाइस पानी गर्म हो चुका है पी लेता हूँ, इधर अर्पिता भी आ गया, ले अपने आप से भी मिलवा दे इनको और मम्मा से भी मिलवा ला जा। मम्मी
हेलो हाय, क्या कर रहे हो आप? बस बैठे हैं धूप पे। आंटी बोलो हेलो। पौधों के पास तेरी मम्मी बैठी है। फूल बनती भाई हो रहा आज मैंने आज अपना भी इंट्रोडक्शन दे। हाँ बस अब सारा मतलब बताने लग जा। स्कूल में से सुनाया नहीं जाता, व्लॉग में देखो कैसे सुना रही है। वाह अर्पिता वाह, चुप हो जा आप, चुप हो जा। चल तो अभी गाइस दोपहर के 3:15 हो चुकी है, मम्मी चली गई हैं, गुरुजी के सत्संग था गाइस बिल्कुल घर के बाहर ही, घर के मतलब बाहर सड़क के ऊपर ना एक शिव धर्मशाला है हमारे यहाँ पे, उसके अंदर वहाँ गुरुजी का सत्संग था, वो काफ़ी बढ़िया है। तो अभी वहीं चलते हैं, मम्मी की सेवा थी और अर्पिता गई हुई है ट्यूशन पर, पापा ऑफिस पे थे या पता नहीं, डैडी के पास तो आ गए थे, उनके पास उनको कोई काम भी था, पता नहीं वहाँ चले गए हो, आई डोंट नो। बट मैं भी अभी मम्मी के पास जा रहा हूँ गुरुजी के सत्संग में, देखते हैं हमारी भी सेवा लग जाएगी क्या पता, चलो आओ चलें। तो अभी गाइज मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे गुरुजी का सत्संग है। अभी ना पहले देखो गुरुजी का दरबार सज रहा है, और आज एक अंकल का जो गुरुजी की संगति है और सेवादार भी है, उनका आज बर्थडे है, तो अपना बर्थडे गुरुजी के साथ मना रहे हैं उनका सत्संग करके, तो वो बिल्कुल घर के पास ही था। तो अभी देखो अभी सारे तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि सेवादार को पहले बुला लेते हैं, तो अभी सारी तैयारियाँ चल रही हैं। मम्मा की सेवा है वॉशिंग में भी, अभी बर्तन तो हुए मतलब आए नहीं, जो संगत जिसमें खाना खाएगी ना वो वाले जो जूठे बर्तन होते हैं उनको वॉश करने में मम्मा की सेवा है। ये खड़ी मम्मा पीछे, हाँ जी देख रहे हो, और अभी अंदर सारी तैयारियाँ चल रही हैं, तो तैयारियाँ हो जाएंगी ना उसके बाद आपको गुरुजी का दर्शन तो मैंने करा दी दरबार के, बट अभी सारा दरबार सजेगा। तो अभी मतलब ये लगा लो ये बलून्स लगे होते हैं नीचे, सारा वो बिछेंगे कहते हैं फ्लावर्स वगैरह, और उनको डेकोरेट किया जाएगा बहुत अच्छे से सजेगा। तो गाइज इस जगह को जोड़ा घर बना दिया है, यहाँ पे संगत की चप्पलें वगैरह इकट्ठी होंगी, और यहाँ पे सेवादारों की अलग से, क्योंकि सेवादार आए हैं यहाँ से डाल सकते हैं ना, उनकी अलग में पड़ी रहेगी, उनको कभी भी जरूरत पड़ती है तो यहाँ से डाल सकते हैं। और वहाँ सामने पार्किंग लगनी स्टार्ट होगी, संगत आ चुकी है यहाँ देख सकते हो आप, और पहले सबको मास्क दे रहे हैं जिसके पास नहीं है, फिर उसके हाथ सैनिटाइज वगैरह होंगे पूरा, और इधर हमको भी मास्क मिल चुका है, हमने भी मास्क लगा लिया। बस अब इस सत्संग स्टार्ट होने वाला है, संगत आ गई है ना, वो भी मतलब बैठ जाएंगे, फिर सत्संग स्टार्ट हो जाएगा, सब दिखाता रहूँगा आपको धीरे धीरे, टेंशन ना लो। एक चीज़ तो बतानी भूल ही गया था मैं, ये देखो पहले यहाँ पे होता था सत्संग, ये हॉल फिर भी बड़ा है, कोरोना के कारण ना मतलब अब तक सेफ्टी चल रही है सारी, तो इसको पहले बंद कर देता हूँ। उधर सामने छोटे हॉल में कर रखा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा ही दिया, अब सेवा लग जाएगी, उसके बाद मिलता हूँ आपसे जब सत्संग खत्म हो जाएगा। तो गाइस अभी शाम के 6 बज चुकी है और मैं सत्संग से आ चुका हूँ, सत्संग अभी भी चल रहा है, बट गाइस मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, तो आओ चलते हैं ट्यूशन। आप सोचोगे ट्यूशन, तो हाँ गाइस मैंने ट्यूशन रख लिया है, तो आपसे ट्यूशन पर पहुँच के मिलता हूँ, ठीक है आ जाओ। तो गाइस अभी मैं ट्यूशन पर पहुँच चुका हूँ, और दीदी ना अभी पढ़ा रही हैं, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपसे घर जाके, यहाँ पे व्लॉग नहीं बनाने पड़ा, बाकी देख लो सारे बच्चे बैठे हैं लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी गाइस ट्यूशन से होके मैं सीधी यहीं पे आ गया था सत्संग में वापस, क्योंकि सत्संग ना उस समय मतलब एंड हुआ था बिल्कुल, अभी लंगर प्रसाद वगैरह होना था, तो सब मतलब पापा की भी सेवा यहीं थी, मम्मा की भी यहीं पे थी, फिर अर्पिता भी यहीं पे आ गई थी, तो अभी मैं भी वापस आ गया वहाँ पे, बस अभी लंगर प्रसाद चखते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये रही सामने पापा जी की ड्यूटी, हाँ जी पापा अभी बिजी थे बाहर, अंदर फिलहाल लंगर प्रसाद चल रहा है, करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज अभी लंगर प्रसाद वगैरह चख के गुरुजी से आगे लेके गाइज मैं बाहर आ गया हूँ, और बस व्लॉग को ना गाइज मैं पता क्या कर रहा था, मैं इस वाले व्लॉग में ना एक और चीज़ दिखाता, बट वो कल के व्लॉग में दिखाऊंगा, वो भी मेरे को बढ़िया लगी, तो आप वो कल के व्लॉग में दिख जाएगी, कल का व्लॉग मत देखना भूलना। तो बस इसी के साथ वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी मेरा भाई चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पर आगे फॉलो कर देना @arpitofficial, ठीक है बाय बाय। बट मैं बोली कि नहीं बेटा, सिर्फ मैं ये स्कूल रिकॉर्ड के लिए है, मतलब कॉलेज में स्कूल कह रहा हूँ।